वो लड़का और उसकी दोस्त दोनों यहाँ नहीं है। मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन साहिबा और उसके जज्बात। गुरुजी, आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? कोई सुराग। ये तस्वीर तो रोशनी की है। इसका मतलब ये है कि उन दोनों को ये पता था कि तालिस्मान यहाँ पे है। वो दोनों तालिस्मान और साहिबा की तलाश में ही यहाँ पे आए थे। हमें तालिस्मान को बचाने के लिए साहिबा की मदद करनी होगी। उम्मीद तो नहीं थी मुझे, पर खुशी हुई कि तुम कामयाब हो गए। इस तलिस्मान की ताकत तुम्हारी शैतानी रूह को जलाकर खाक कर देगी सिमसन। धमकी दे रहे हो मुझे? भूल गए कि अगर मुझे कुछ हुआ तो वहां परवाज में तुम्हारे अपनों के साथ क्या होगा। इसीलिए तो जब तक परवाज महफूज नहीं हो जाता, मैं तलिस्मान तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तुम्हारी इतनी जुर्रत है तलिस्मान? अली, अब और कोई शैतानी चाल नहीं। मंजूर मलिका शैतान। चलो, है तलिस्मान, कर दे कमाल। जो है जहां वहीं रुक जाए। इस तालिस्मान की ताकत के आगे मेरी ताकतें काम नहीं कर पा रही है। गलत कर रहे हो तुम। मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मैं मजबूर हूं। मेरे यहां से जाते ही ये जादू खत्म हो जाएगा। अली की दोस्त हो ना? इसका मतलब है कि मैं आपको अपनी अम्मी बुला सकता हूँ। तुमने मुझे अम्मी कहा, मैंने तुम्हें अपना बेटा माना। तुम्हारे लिए मैं अपने लोगों के खिलाफ खड़ी हुई और तुमने मेरे साथ ही फरेब किया। इसका मतलब है वो सारे एहसास, वो जज्बात सिर्फ एक झूठ था मेरे साथ फरेब करने के लिए। इन माँ बेटे की जज्बाती बातों में कहीं मेरा तलिस्मान मेरे हाथों से ना निकल जाए। किसी भी तरह घर के अंदर घुसना ही होगा और इस जादुई सिक्के को खोजना होगा ताकि हम अली से बात कर पाए। इधर जा रही है बेवकूफ लड़की। चुपचाप वापस आ जा वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। भाभी 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 उठिए। अभी से क्या हो गया? अब बिना खाए पिए सबकी खिदमत की उन्होंने, तो कभी ना कभी ये होना ही था। हाँ, इसका मतलब वो सारे एहसास, वो जज्बात सिर्फ एक झूठ था। नहीं अम्मी, आपसे कहा हर एक लफ्ज, मेरे सारे जज्बात बिल्कुल सच्चे थे। फिर एक बेटा बनकर अपनी माँ की पीठ पर वार कैसे किया? धोखा कैसे दिया? क्यों छीना ये तालिस्मान मुझसे? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पर ये बताना आपको भी बहुत मुश्किल होगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर मैं तालिस्मान को हासिल नहीं करता तो मैं मेरे अपनों को हमेशा के लिए खो देता। एक और फरेब, एक और झूठी दास्तां। पर अब मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करने वाली। तुमने एक माँ का प्यार देखा है और अब एक माँ की नफरत देखोगे। दिया है मैंने आपको, गुनहगार हूं मैं आपका, इसलिए आपको जो सजा देनी है मुझे मंजूर है। अब तुम्हारी ये जज्बाती बातें तुम्हारी जान नहीं बचा पाएंगी लड़के। अली, कहाँ होगा वो जादुई सिक्का? अब हमें इस सिक्के को चांद की रोशनी में रखना होगा, फिर हम अली से बात कर पाएंगे। उठो अली, जज्बाती मत बनो, अपने लिए ना सही, अपनों की जान बचाने के लिए सामना करो इस औरत का। इस्तेमाल करो तलिस्मान की ताकत का। अली उठो, अली। नहीं, मैं पहले ही बहुत दर्द दे चुका हूं अम्मी को। मैं अपनी नजरों में और नहीं गिर सकता। अगर अपनी हार मान ही ली है तो वो तालिस्मान मेरे हवाले कर दे। माफ कीजिएगा मुझे, पर आपको मैं ये तालिस्मान नहीं लौटा सकता, क्योंकि ये मेरे अपनों की जिंदगी का सवाल है। अली उठो, अली। अली मान लो मेरी बात, सामना करो साहिबा का, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे हर एक टुकड़े की जान जाएगी। अली सोच लो, मैं इन्हें और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं आपको तलिस्मान नहीं दे सकता। इसके लिए आपको जो भी सजा देनी है मुझे मंजूर है। तालिस्मान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपनी जान देकर भी हिफाजत करूंगी तालिस्मान की। तो ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो यही सही। मुझे मेरे खुदा पर पूरा यकीन है। अगर मेरे जज्बात इनके लिए सच्चे हैं तो मैं अपने अपनों को भी बचा लूंगा और अम्मी का भरोसा भी नहीं टूटने दूंगा। तलिस्मान के इतने करीब आकर मैं उसे जाने नहीं दे सकती। अब रोशनी को रोकने का एक ही तरीका है। ये जगह शांग्रीला के जादू के घेरे से बाहर है। मुझे अपने जादू का इस्तेमाल करना होगा। हमें कैसे भी अली की अम्मी को रोकना ही होगा। छोड़िए, चोर की निगाह से कोई भी चोरी छिप नहीं सकती, लेकिन ये बात तुम इंसानों को कौन समझाए? या खुदा, अली की माँ ही उनकी जान लेने जा रही है। अब इस सबसे बड़े इंसानी रिश्ते को बचाना सिर्फ आपके हाथ में है खुदा। ये नूर ये निशान। इसका मतलब ये है कि ये लड़का कोई नहीं बल्कि मुस्तफा और साइबा का बेटा अली है। रोशनी, तुमने इतने खूबसूरत तोहफे से हमें नवाजा है। इसका नाम है अली। आपको नूर मेरी तरफ से अपने पास अमानत समझ के रखिए, और जब भी आपको ठीक लगे उस समय खुद वो नूर आप अली को दें। मुझे महसूस हो रहा है नेक दिल अम्मी और मेरे बीच कोई रिश्ता जरूर है, जिसकी वजह से अम्मी ने मुझ पर हमला नहीं किया। ये तो मेरा बेटा अली है। बचपन में ही अपनी अम्मी को खो दिया था, पर आप जब भी मेरे पास होती हैं तो मुझे उनके होने का एहसास होता है। गलती से सोचना भी मत, और नौसाली से बात करने के लिए तुम्हारी रूह तक नहीं पहुंचेगी, समझी? मेरा बेटा अली। अम्मी, अली, चलो। अम्मी, कहाँ लेकर आ गई तुम मुझे, और क्यों लाई मुझे? मुझे अम्मी को बचाना है। तलिस्मान, ले चल मुझे। अब देर हो चुकी है, कोई फायदा नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें साहिबा की फिक्र है, लेकिन अनजाने में तुमने तलिस्मान की ताकत का इस्तेमाल कर दिया उन पर, और तलिस्मान की ताकत से कोई नहीं बच सकता। पहले अम्मी की जान ले ली। तुमने नहीं, रोशनी को मौत के अंधेरे में मैंने फेंका है, पर इसके कसूरवार तुम खुद को ही समझते रहोगे। तलिस्मान की ताकत को कोई भी अपने काबू में नहीं कर सकता, इसीलिए कह रही हूं तुमसे, दे दो मुझे तलिस्मान। देगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.